Chapter 8 Polynomial First Worksheet. Find out whether the given expression is polynomial or not. If not, give reason. First part में हमें ये बताना है कि ये algebraic expression जो है वो polynomial है या नहीं है और reason भी देना है. तो हम इससे पहले introduction में पढ़ चुके हैं कि कौन सी algebraic expression polynomial होती है. जब किसी भी algebraic expression में variable की जो power होती है वो whole number होती है या non-negative integers होती है तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. इसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है तो हम इसे कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल. सेकंड पार्ट में अंडर रूट 3 जेड स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट जेड प्लस अंडर रूट 6. तो यहाँ पे जेड की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, अंडर रूट जेड है तो हम इसे कहेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. और रीजन देंगे बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. थर्ड पार्ट में 6x की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 3x क्यूब माइनस 3 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1. अब हम देख सकते हैं x की पावर 4 ये भी होल नंबर है, x का क्यूब ये भी होल नंबर है और x स्क्वायर ये भी होल नंबर है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है. फोर्थ पार्ट में 7x की पावर 2 अपॉन 3 माइनस 8x की पावर 3 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर. अब हम यहाँ देखते हैं, देख सकते हैं x की जो पावर है वेरिएबल की जो पावर है वो है 2/3. 2/3, 3/2 ये कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर है यानी कि होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर क्योंकि दो होल नंबर के बीच में लाइज करते हैं तो हम बोलेंगे इसे इट इज नॉट पॉलिनोमियल. बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ रैशनल नंबर. इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करते हैं, लिख सकते हैं, इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. फिफ्थ पार्ट में 5x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2. अब आप यहां देख सकते हैं 1 अपॉन x, अगर हम इसको पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस में आएगी. यहाँ पे भी x स्क्वायर है, 1 अपॉन x स्क्वायर है, अगर हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस 2 हो जाएगी यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल. और इसका रीजन भी क्या होगा जो सेकंड में था, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है. सिक्स पार्ट में p की पावर 4 माइनस 3 p क्यूब माइनस p प्लस 1, यहाँ पे होल नंबर है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है. हमें सिर्फ रीजन देना है किसका, जो पॉलिनोमियल नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म and also write down their degree. First question, p की पावर 6 माइनस 8 p की पावर 9 प्लस p की पावर 7 प्लस 6. अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी सबसे पहले हम वो टर्म लिखेंगे जिसकी जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है. तो वो टर्म है माइनस 8 पी की पावर 9, उसके बाद 9 के बाद जो दूसरा टर्म है वो है पी की पावर 7, नेक्स्ट पी की पावर 6 प्लस कांस्टेंट टर्म, सबसे लास्ट में हमेशा कांस्टेंट टर्म आता है
5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और जिसमें डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 9। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 9, तो ये डिग्री कहलाती है। सेकेंड पार्ट, 4z³ माइनस 3z⁵5 प्लस 2z⁴ प्लस जेड प्लस 1। पहले से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर पावर को। सबसे पहले आएगा 5, तो माइनस 3z⁵5, उसके बाद 4, 2z⁴, फिर 4z³ प्लस जेड प्लस 1। और डिग्री क्या होगी इसमें, हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो है 5। थर्ड पार्ट, एक्स प्लस 2/3 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस 3/4। अब बाइनोमियल और बाइनोमियल है, हम इसमें चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसका यूज कर सकते हैं। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, जब दोनों बाइनोमियल में फर्स्ट टर्म हमारी सिमिलर हो और सेकंड टर्म जो है दोनों की डिफरेंट है, तो हम इस पे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसकी इक्वल टू होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो हमने ये यूज करी, तो आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी हमारे पास है, ए है 2/3 और बी है 3/4। इन दोनों का सम ब्रैकेट के बाहर एक्स, एक्स है हमारे पास एक्स ही है, प्लस ए इंटू बी, ए 2/3 मल्टीप्लाई बी 3/4। तो ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हमने सम करा, 3 4 12 एलसीएम आया, 3 4 8 4 3 4 12 4 2 8 और 4 3 4 3 12 3 3 9। एक्स प्लस 3 से 3 कट हुआ, ये बन गया 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17/12x प्लस 1/2। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है आंसर। और डिग्री हमारी क्या होगी इसमें, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 2, तो डिग्री होगी 2। फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4/3। सिमिलरली हम इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। हमने यही सेम आइडेंटिटी यूज करी, ए एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया प्लस माइनस 2/3 प्लस 4/3। ए और बी हमारे पास माइनस 2/3 ए है और बी हमारे पास 4/3 है, एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट में प्लस ए इंटू बी माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। हमने इस आइडेंटिटी में अपनी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी है, तो x की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा 2/3x x स्क्वायर माइनस 8/9। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया आंसर, जिसमें और डिग्री आई है हमारी 4। फिफ्थ पार्ट, जेड स्क्वायर प्लस 5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस 6। सेम इसमें भी हम अपनी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्रोडक्ट बाय एक्स प्लस ए इंटू बी। अब एक्स एक्स के प्लेस पे हमें दिया हुआ है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का
स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये है 5, बी है माइनस 6, तो 5 प्लस माइनस 6 आउटसाइड x यानी z स्क्वायर प्लस a इनटू b 5 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो z की पावर 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस z स्क्वायर माइनस 30, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। और जो डिग्री है y है 4। सिक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं, y क्यूब माइनस 4 y क्यूब माइनस 5, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो क्वेश्चन में वो हमेशा लिखनी होती है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, x प्लस a इंटू b, x के प्लेस में हमें गिवन है y क्यूब, इसका हमने स्क्वायर किया अकॉर्डिंग टू अवर आइडेंटिटी, प्लस a और b हमें माइनस 4 माइनस 5 गिवन है, माइनस 4 माइनस 5 इनका सम किया y क्यूब प्लस प्रोडक्ट माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो ये बन गया y की पावर 6 माइनस 9y क्यूब, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 4 5 जो 20 प्लस में आएगा, मीन्स यह हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और डिग्री आई हमारी 6, हाईएस्ट पावर जो है 5 की वो है 6। सेवेंथ पार्ट, पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 7, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें भी, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर, a प्लस b का सम x से प्रोडक्ट प्लस a इंटू b, एक x के प्लेस पर हमें गिवन है पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा प्लस a प्लस b 2 प्लस 7 पी स्क्वायर प्लस a इंटू b 2 मल्टीप्लाई 7, p की पावर 4 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 14, ये हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया और डिग्री आई हमारे पास हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 4, तो डिग्री है 4। एट पार्ट करते हैं, 5 अपॉन 6 जेड माइनस 3 अपॉन 4 जेड स्क्वायर माइनस 2 बाय 3 जेड क्यूब प्लस 1, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है जेड की 3, तो सबसे पहले हमने लिखा 2 बाय 3 जेड क्यूब, उसके बाद स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 जेड स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 6 जेड प्लस 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया पॉलिनोमियल और डिग्री है हाईएस्ट पावर जेड की 3। नाइन्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, फोर पी प्लस 15 पी की पावर 6 माइनस 5 पी की पावर 5 प्लस 4 पी का स्क्वायर प्लस 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने, सबसे बड़ी पावर है p की 6 माइनस p की पावर 5 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3, ये पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और डिग्री लिखी हाईएस्ट पावर ऑफ p 6, तो डिग्री हो गई 6। टेंथ पार्ट, q की पावर 10 प्लस q की पावर 6 माइनस q की पावर 4 प्लस q की पावर 8, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले q की पावर 10, 10 के बाद आएगी q की पावर 8 फिर q की पावर 6 माइनस q की पावर 4 और हाईएस्ट पावर है q की 10, तो डिग्री हो गई 10।